चल लगा पूरी ताकत लगा, जोर से पूरी ताकत लगा क्या कमबख्त। हाँ चल लगा, क्यों परेशान कर रहा था उसको, क्या परेशान कर रहा था, झगड़ लो उसको तेजी से, उसके अंदर से आग लगाओ कमबख्त के। हाँ झगड़ो उसको और तेजी से। जोर से पूरी ताकत लगा और जोर से झगड़ लो उसको तेजी के साथ झगड़ो। कहां से आया था रे, किले में खंडर में से आया था कमबख्त। हाँ मारो अब उसके, उसके टुकड़े करेंगे तेजी से। नाक में इतर लगाओ उसके, दम करा के लेके उंगली से। बात मत कर रहे उसको, जकड़ो उसको और तेजी से। बस 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 हट जा तू, छोड़ दे उसको, झगड़ो उसको, झगड़ कर रखा उसको, भागने मत दो नाला को, जंजीर डालो उसके पैर में और जंजीर डाल के खींचो उसको तेजी से। Thank you.
चल निकाल जल्दी, पूरी दवा बाहर है। अरे पन्नी लगा रहे उसकी मुंह को बेवकूफ। इधर लाओ उसको, आगे लाओ उसको, जगह के ना ला, उधर लाओ उसको, तेज से आग लगाओ उसके अंदर। लाओ उसको और आगे लाओ, इधर पन्नी ले रहे, इधर आगे लगा पन्नी। हाँ चल निकल, ले तो अभी काट के टुकड़ा कर दूंगा पूरा कम्बा का। उसका यहाँ पकड़ कर निकल 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 निकल, बोला जल्दी निकल बदतमीज। हाँ निकल, उसके पेट में सारी दवा लो खींच के बाहर। चल निकाल, तेरे पूरी दवा निकाल जल्दी बाहर, वो निकाल, बुलाओ बाहर से मारने वाली फौज को, बुलाओ उसको, छोड़ उसके हाथ, मारने वाली फौज को बुलाओ, उसके निकालो जल्दी से, लगा दो तेज साथ में। قل أوحي إليه أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا نجبا يهدي إلى الرشد فعنا به ولن نشرك ربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخبطتم ولا وأن كان يقول سفيهنا على الله شيطانا وأن أبوانا ندخل الإنس والجن على الله أما أراد ربهم رشدا أما أراد ربهم رشدا وهم يصطادون من الدون ذلك النظر قيد أعلى وأن ظن للنزوة الله في الأرض وأن للنزوة حرب وأن ظن سمين الضر النبي وعمن يمر ببلغة فما هو الرحب وأن من المسلم قدر ومن أسلم فأولئك ذا حرم وشن غن حتاب ولو استقاموا على التاريخ لا سقينا من غضب نقم فيه ومن يورز عن ذكر رب يسلك ودغ ساعة لو أن المساجد الله فلا تدمع الله أحد أحد وأنه لما قام عبد الله يدبعض يكونون عليه بعد قل إنما ربي ولا أشرك به أحد قل إنما من بر رمضان الرشد قل إني لن يجيرني طيب ولن أنت من دون الله مبدع أحد إلا بلغ من الله ورسالاته ومن يسد الرسل فإن الله نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا أرد الفضيل من رمضان أنت فرسل قل وأدعد قل إن أدري أقرب ما تودنا يجعل الله ربي أعمد قل إن أدري أقرب ما تودون من يجعل الله ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من يتق من رسول فإنه يخرج من بين يديه من خلفه مرصدا ليعلم من قد أبلغ رسالات ربه وأحاط بما لديه وأوصى كل شيء عددا. जकड़ लो उसको अंदर से और तेजी साथ जकड़ो और उसकी सारी दवा बाहर खींचो, आग लगा के अंदर तेजी साथ में। आग लगाओ उसके अंदर और तेजी से, غفور رحيم فضم الله بشياتنا على كل زمان ويظلمون الله حس الصوت شعب خنجروا على مدن خائف مسلق قدامك ماروسكو اور تيزي ماروسكو جكڑ گئی
आग लगा दो उसके अंदर, तेज से आग लगाओ और उसको खूब मारो उसको। इधर लाओ उसको, इधर लाओ, खींच के ला रहा है कोई, इधर लाओ, कहाँ भाग रहा हो कमबख्त, भाग नहीं सकता तू, तेरे बाप का राज चल रहा क्या? बाटल में पानी डालो तो जल्दी पी कम बात, ये जल्दी निकाल पूरा निकल निकल बदतमीज, निकला क्या? निकालो उसके पेट में सारी दवा, थक भरा क्या होना, उधर दवा खींच रहा, निकल इधर लाओ उसमें, आगे लाओ, चल बाहर जल्दी। चल बाहर निकाल दबा जल्दी बाहर, कितने जनों को मारने आता उसके घर से, कितनों को बुरा था, किस किस को, पहले किस को, क्या नाम है पहले नंबर वाले का, किसको आयशा, अच्छा उसके बाद किसको मारने आता, किसको किसको फिर उसके बाद फिर उसके बाद अर्जिया उसके बाद सारा, अच्छा और आसिम, और पैसा मारने आता है सब लोगों को, एक्सीडेंट करके बीमारियां डाल के, क्या इनके दिला दबा के, क्या करके हमले करके, क्या करके मारने आता, जिंदा जला के सबको सुसाइड करने का वाला था क्या, सबको सुसाइड करने लगाने वाला था, और क्या करने वाला था, और इसका क्या नाम है रे, सानिया को कैसा मारने वाला था, उसको मेरे साथ लेके जाना है ऊपर, ले जाने वाला था, अब क्या उसको शादी करने वाला था उसके साथ मिली जाके, शादी करके रहने वाला था उसके साथ, तू उसको मार के ली जाके, और कितने बच्चे को मारा अभी तक, और कितने मारा, इनका घराना पहला था क्या, जकड़ लो उसको अंदर से और तेज के साथ जकड़ो उसको, ना लाओ कान से, खुद ब खुद आया था कोई लाके छोड़ा था, नाम मत बोल, जो पूछा खाली उतना जवाब दे, खुद ब खुद आया था कोई लाके छोड़ा था, जल दे पूरा जला दूंगा मैं तो, क्या खुद ब खुद नागपुर से, नागपुर से आया था, नागपुर में कोई रहते गए थे, कब गए थे, कितने पहले गए थे, अरे जागे दो साल में, मैं दो साल में, और वहाँ क्या नागपुर में मिली थी तेरी बच्ची है, इसके रिश्तेदारों ने छोड़े थे, दोस्तों ने छोड़े आंग में, कैसा पूरा जला दूंगा, कैसा खून पी रहा था तू इसके शरीर में का, खून पी पी के उसको सुखा दे रहा था पूरा, पिशाच नामक जिन्ना थे नालायक तू,
झगड़ लो और बच्ची को रात में आके परेशान करता था तू, हमें उसको अपनी बीवी बना करा करता था उसको नाला, पकड़ लो और तेज से क्या करना आप तेरे साथ चूल्हे पर काट के टुकड़े कर दो क्या कौन कुमार ये कौन कौन कितने बहन भाई हैं इसके पूरे फैमिली को क्यों मारना चाह रहा है तू, क्यों मारना चाह रहा वजह क्या लेके गए क्या लेके गए तेरा ख्याल ये मेरा काम लेके ले तेरे मेरे को काम करने नहीं दे रहे थे। क्या काम है तेरा, क्या काम नहीं करने दे रहे नो क्या काम नहीं करने दे रहे भाज बट क्या काम नहीं करने दे रहे तेरा जलाओ उसको तेज से, हाँ क्या काम नहीं करने दे रहे मारो उसको खूब मारो उसको उसको मार मार के अंदर से ऐसा बनाओ उसका झगड़ लो उसके गर्दन में से उसको और तेज झगड़ो झगड़ो उसके गर्दन में से और तेज से छोड़ो पन्नी लगा रहे साथ, अरे पन्नी लगा जल्दी ये जो सारी दवा बा है कौन डाला था उसी को औरत थी अदमिता है बच्ची के आंग में लाके डालने वाला और बच्ची का क्या लेके था जादू चलाते टाइम पे कपड़ा बाल मट्टी चप्पल क्या लिए थे जकड़ो उसको और तेज जकड़ लो उसको और तेज जकड़ो जोर से पूरी ताकत और जोर से जोर से और जोर से सुने नहीं आ रहा मां और जोर से नाम पूछा था मैं मगर फिर नाम पूरी दुनिया सुनती फिर बोलो मैं तुम आपको बोलेंगे फिर तुम आके मेरे बोलेंगे तो उसमें मेरा कुछ भी नहीं होता शैतान बोला तो वो वैसा नहीं होता कैमरे की तरफ देख के बोलो दूसरी टाइम अभी पूछो दूसरी टाइम दूसरी टाइम अगर होता था तो आना तीन चक्कर करना पड़ता है तीन चक्कर करना पड़ता झगड़ लो उसको और देसे खुद ब खुद आने वाला नहीं है लाके छोड़ा वाला सबको मार में बुरा ना हमें क्या रे क्या करूं अब तेरी गर्दन काट के ले लूं क्या हाँ बुलाओ बाहर से उसको और मारने वालों को बुलाओ बन के मारो उसको खूब तेज से मार दूं क्या छोड़ दूं जादू कहाँ से कराला शमशान से कब्रिस्तान से कहाँ से कहाँ से लाए थे कहाँ से शमशान से कब्रिस्तान से कहाँ से लाए थे हाँ बोल जल्दी ये बच्ची को मारने को कितना टाइम बचा था 6 महीने 1 साल महीना 2 महीने 10 महीने कितना टाइम बचा था कितना टाइम बचा था कितना टाइम बचा था कितना कितना अच्छा
अमास में पुन्नम में अमास में मार देने वाला था। हाँ कैसा मारने वाला था, कैसा मारने वाला था, कैसा एक्सीडेंट करके डायरेक्ट सुसाइड करा के क्या, कैसा सुसाइड करा के, सुसाइड करा के मार देने वाला था। घर पे कितने बार हाजिर हुआ है? दो तीन घंटे। क्या बोल रहा था? कुछ भी ना, ऐसे दुकान जाने चला कर रहे, बड़े छोटे नहीं समझ रहे, वो ये खावा पड़ रहे, बोले कहाँ के दूर के शैतान सामने नहीं आया घर में, डर गए एक दो बोले कि अच्छा दिख रहा है। बच्ची के आने के सवाल जवाब हुए क्या घर में? हुए हुए। क्या बोल रहा था? कुछ भी नहीं, लेके चल जा तो वो कब ले जाता, बोल रहा था लेके खाली भाग जाऊंगा, नहीं मर जाता हूँ बहुत आगे तो छाया बोल रहे थे। कौन बोल रहे थे? बच्ची बोल रही थी। क्या नहीं बोल रहा, आवाज से नहीं बोल रहा। तुमको समझ में नहीं आ रहा था क्या क्या हो रहा था घर में, गड़बड़ियां चल रही थी, लड़ाई भी थी, बहुत लड़ाई भी बोचे में, अब्बा हाथा काट ले रहे, लड़ने के भाई नाम के भाई हुए नहीं, बड़े भाई। और कौन लड़ाई लगा रहा है इसी घर में, तू कर रहा था छोटी भाई? भाई तेरे साथ में और कितने साथी आए? अच्छा कितने और कितने साथी आए तेरे साथ? अच्छा क्या अच्छा क्या आयशा? अच्छा वो भी उसके अंदर भी तेरे साथी है उसके अंदर भी? नहीं। हाँ क्या आयशा, क्या क्या तेरे साथ और कितने शैताना मिले आले? जल्दी बोल कितने मिले आले? अब पूरे घर को मार देने वाले सबके मुद्दत बने। हाँ दुश्मनी क्या थी? दुश्मनी जमीन जायदाद की, कह का झगड़ा था जमीन जायदाद का? हाँ सही बोल रहा, झूठा बात कर रहा, सही बोल, कहीं की दुश्मनी थी? झगड़ो उसको और से, झगड़ो उसको और से, बोल हाँ कहीं की दुश्मनी थी, कहीं की? दुश्मनी पूछा मैं कहीं की थी तो? क्या तुझे नहीं मालूम? जो पूछा वो जवाब अभी निकल जाएगा, उसको नहीं दिया मैंने बाहर कम बखत, रोक के रखा उसके अंदर, मार जा फेसा बना उसका। हाँ बोल क्या पूछा मैं उसका जवाब? हाँ मुझे नहीं पूछ रहे थे। क्या क्या छोटा भी बीमार पड़ गया, मेरे भाई बीमार पड़ गए। और इधर आने भी नहीं दे रहा था हमको, तू आने नहीं दे रहा था, इधर आने भी नहीं दे रहा था, रास्ते में रुका दे रहा था हमको इधर आने से। हाँ और कितने साथ हैं तेरे साथ में? 10-12-15 कितने कितने? सब अलग अलग क्यों दिख रहे फिर? जोर से बोल, जलाओ उसको और तेज जलाओ। चलो बंद करो उसको तेज से, बंद करो उसको, बाहर निकालो। कैमरा बंद था क्या? सही तरीके से फिरा लेना कैमरे की, झगड़ो उसको और तेज से मार के निकालो, तेजी से बाहर पूरा। चल नाला कमीने जा, और दूसरी चक्कर तक आदमी सबके नामा सुना, कौन लाके डाला था, कहां से तू आया था, शमशान से, कब्रस्तान से, कितने लोग थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, औरतें थे, आदमियां थे, कहां के थे, उनके रिश्तेदार थे, दोस्ताने के थे,
क्या फिर काय का झगड़ा चल रहा था, क्या दुश्मनी थी, हर वो चीज में कोई याद करके आके सुनाना दूसरे चक्कर तक, जब तक उसको जंजीर डाल के बंद कर डालो और मार मार के उसके सारे शक्तियों कमजोर करो। लड़ाया झगड़े जो भी शैताना लगा रहे उन सबको भी जंजीर डाल के पकड़ के लेके खत्म कराओ तेज साथ में। परसों निकलेते हम 12 तारीख को, आने जी आधे रस्ते पे रिटर्न चल गए घर को, फिर कल शाम की गाड़ी में क्या सुबह है आज, जब से भाई बीमार पड़ गया निकले जब से, आज अब्बा सुबह से घर में लड़ रहे कहते नहीं रस्ते में अड़थड़े में कुछ भी रुकावटें डालेंगे, तुम्हारे को आने नहीं देंगे, तुम्हारे जहन में वसवसे डालेंगे, मैं तो तुम्हारे घर में लड़ाइयां लगा देंगे, कुछ भी नए नए बात करेंगे, बोलेंगे वहां कहीं गुजारे ऐसा कहीं सब कुछ भी बोल के तुम्हारे इसमें रुकावटें लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शयातिनों को भी पता रहता है जब कटने वाले रहते वहां पर वो बिल्कुल नहीं जाते, जहां तुम लूटने वाले रहते तुम लूटने वाले जो बैठे रहते लूटे रहे डुप्लीकेटा तो वहां तुम आपको नाच नाच के लिए जाते हैं वहां जान देते, क्योंकि उनको मालूम ना वहां जाने से कुछ फर्क नहीं उठा, उल्टा तुम बर्बाद हो जाते, वो भी तुमको लूटने वाला और ये भी तुमको लूटने वाला, दोनों मिलकर तबा बर्बाद कर देने वाले तुम्हारा शैतान भी और वो छोटा मोटा इलाज वाला भी, इसलिए जहां पर खत्म होने वाले थे वहां नहीं आने देते, क्या क्या कर रहे थे और नहीं आने देते। 12 तारीख के दिन ही जा रहे थे हमने, आधे रास्ते से रिटर्न चल रहे थे, फिर कल निकलेंगे शाम की गाड़ी में, तो कल से भाई बीमार, मेरी घरवाली बीमार, और कल अब्बा सुबह से लड़ रहे थे घर पे, फिर सुबह आया हुआ कोई दावत में जा रहे बिल्कुल ले लेके आना पड़ा, कोई तो ना ये सभी बलाएं करती सब तमाशा नहीं कर सकता, खैर अल्लाह कम से जैसे जैसे तरीके से उस तरीके से हमारा को सपोर्ट कराते अल्लाह की मुझे कोई मसला नहीं। और दूसरी बात की दुआ मोमिन का हथियार रखे अल्लाह सर दुनिया से मुखातिब में ये बोल के कि तुम लोग समझो दुआएं इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो तो तुम्हारे गुजरेंगे सब चीज़ों से, नहीं तो ये ऐसे आलम हो जाते हैं। और ये जो दास्तान है अब देखो क्या बोल रहा था, मंथ के बाद में मार दूंगा अम्मा से भी सडनली शैतानों में देखो बात है ना, मार देते ना मौत से पहले भी तो अल्लाह ने मौत रखा लिया, ऐसा नहीं कि मौरी का कैसा उसके हाथ में थोड़ी जान लेने की अख्तियार है, जान लेने की अख्तियार तो अल्लाह के हाथ में, बेशक अल्लाह हर चीज पे खादिर है, अल्लाह के हाथ में हर चीज की कुदरत है, अल्लाह के हुक्म के गुलाम है हर चीज, और लेकिन अल्लाह ने मौत से पहले भी तो मौत रखा ना, मौत से पहले एक मौत ऐसी रखी लिया कि शहादत की मौत, कुरान में बता दिया कि शहीद हो जाओ अल्लाह के राह में जाओ और शहादत पालो, तो इतनी पसंद है अल्लाह को मौत कि उस शहीद को कह दिया सूरह अली इमरान के अंदर मुर्दा मत कहो जिंदा है वो, फिर अल्लाह बताता कि और एक मौत रखा, दोनों भी अपने हाथ से है, ये तुम जाके मर जाएंगे अपने हाथ से शहीद हो जाएंगे तो अपने हाथ से शहीद हो रहे ना खुद ही जाके, मगर अल्लाह के राह में तो बहुत पसंद है, कह दिया कि उसको मुर्दा मत कहो वो जिंदा है, और दूसरी मौत है हराम मौत, वो भी हाथ से मरता है इंसान फंदा डाल के सुसाइड करके, कह दिया उसके करीब मत जाओ, अगर हराम मौत के करीब जाएंगे तो अल्लाह सख्त नाराज हो जाएगा, और नाराज हो जाएगा तो फिर तुम्हारी दुनिया आखिरत दोनों बर्बाद हो गई, मर यानी कि तुम्हारी फिर मगफिरत भी नहीं होगी, मरने के बाद हराम मौत भटको जहन्नुम में जाओ, तो वही जो जादू टोने से मारना जो आता तो वो हराम मौत में जाता, कौन से वाली मौत में, हराम मौत में, बहुत लंबे डिफिनेशन थे रहे हैं, तुम जितना समझ के पढ़ेंगे कुरान हदीसों को तुमको समझ में आएगा, मोबाइल टीवी खेलते बैठेंगे ऐसे क्या ये सब चीज़ें तो फिर इससे क्या फायदा है, और मोबाइल एक ऐसी चीज है उसके अंदर हर चीज तुम्हारे सोच बन गया वाला, तुम जो भी सोचेंगे वहाँ हाजिर, जो भी आयात याद करने का बटन मारो एकदम हाजिर, जो भी पढ़ना है बटन मारो सामने हाजिर, उसका अच्छा फायदा उठाओ, और जब तुम्हारे हाथ में इतनी टेक्नोलॉजी तो उसका मिस यूज मत करो, मिस यूज से तुम्हारी जिंदगी आखिरत दुनिया सब बर्बाद हो जाएगी, इसलिए उसका अच्छा यूज करके कुरान हदीसें दुआएं सब याद करना बहुत अच्छी बात है, और नमाज 5 टाइम भी पढ़ना, चलो ठीक है इससे ज्यादा क्या बोलूंगा, अल्लाह का इंसुने सब लोगों को ज्यादा अमल करने की तौफीक दे, और गैरुल्लाह के पास में नहीं जाना, जादूगर जिंदगी तुम्हारी बर्बाद कर देते, और वहां जाने से अल्लाह के नबी ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने दोनों ने मना फरमा दी, अल्लाह फरमाता जो मैं फरमा रहा हूँ मेरा नबी फरमा रहा, जो मेरे नबी फरमा रहे वो अल्लाह फरमा रहा, अल्लाह जो फरमा रहा वो अल्लाह के नबी फरमा रहे, क्योंकि उनकी जबान से जो भी निकलेगा जो भी अल्फाज अल्लाह कहता कि वो मेरे नबी की जबान से जो भी अल्फाज निकले वो अल्लाह ने कह दिया, फिर अल्लाह कहता अल्लाह जो भी कहता वो अल्लाह के नबी फरमाते, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम जादूगरों के पास जाएंगे तो तुम हमें से नहीं है, तुम हमें से नहीं है, तुम हमें से नहीं है, और मैं जादूगर के पास जाने वाले की भी शफाअत नहीं करूंगा, तो तुम्हारी दुनिया भी गई आखिरत भी गई सब बर्बाद हो गई, तो इस वास्ते बेहतर है कि अल्लाह वालों के पास जाओ, अल्लाह वालों के पास जाना शिर्क नहीं है और मना नहीं है, बुजुर्गान दीन के पास जाओ, दरगाहों पर जाओ, अल्लाह के वलियों के पास जाओ, वहां जाने से तुम्हारा ईमान मजबूत हो जाता और ज्यादा, वो लोग तुम्हारे ईमान को मजबूत करते और जादूगर तुम्हारे ईमान को बर्बाद कर देता, तबाह बर्बाद खत्म, क्योंकि शैतान का साथी रहता ना, फैज देने वाली ज़ात अल्लाह की है,
जख्म होगा तो उस पर मरहम लगाना और जख्म पे खिपली आना और जख्म भरना सुखना रहमत बरसी तो और रहमत बरसाना अल्लाह के हाथ में शैतान के हाथ में नहीं है ना। तो कहाँ से तुम आपको रहमत मिलेगी? जादूगर के पास। जादूगर बोलेगा मैं तुम्हारा राइट कर दूंगा, बीमारी हटा दूंगा, ये हटा दूंगा, मुश्किलों से निकाल के तुम्हारा नजात दिलाऊंगा। नहीं दिला सकता, ज्यादा मुश्किलों में डाल देगा उन्हें, क्योंकि नजात देने वाली जात, रहमत देने वाली जात अल्लाह की और अल्लाह के जो चुनिंदा बंदे, अल्लाह के जो वलिया है वहां मिलेगा तुम्हारे को, बाकी कहीं। और ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ो, इबादत करो, इबादत की रस्सी मजबूती से थामो, कहीं सुनने से अल्लाह तुम लोगों को अमल करने की तौफीक दे ज्यादा। चलो रोक।